सूबाई वज़ीर इत्तला'आत को भी निशाना बनाया गया वकला की जानिब से। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी, आपको बताते चलें कि पीएससी के तमाम अमले ने काम छोड़ दिया, वहां से गायब हो चुका है तमाम अमला जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। और अभी आपको बताते चलें कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। यहाँ पर आपको बताते चलें पुलिस की जानिब से वकला को हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लाइव मनाजर आप मुलाहजा कर सकते हैं, पुलिस भी अब हरकत में आ चुकी है और पुलिस की जानिब से वकला को हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जबकि आपको बताते चलें वकला की गुंडागर्दी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। एक बार फिर एहतजाज किया जाएगा, होगा क्या काले और सफ़ेद कोट की लड़ाई में हमेशा की तरह पिसेगी गरीब आवाम, गरीब मरीज जो कि इलाज के लिए अस्पतालों में ख्वार होंगे और हमेशा की तरह धक्के खाने पर मजबूर हैं, जैसे कि आज भी मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से हमेशा की तरह एहतजाज की कॉल दे दी गई है, जिससे मरीजों को मजीद मुश्किलात का सामना रहेगा। आपको बताते चलें एक जारी वकला गर्दी सामने आई है जिस पर पुलिस बेबस दिखाई दी है, वकीलों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, FIR कटेगी और उनको निशाने इबरत लाएंगे। आप इनको स्पेयर नहीं करेंगे, किसी गिरोह को इजाजत नहीं देंगे कानून हाथ में ले। सर मुझे अगवा करने की कोशिश की वकीलों ने, वकला ने मुझे अगवा करने की कोशिश की, हालांकि मैं इनकी बेहतरी के लिए यहाँ आया था, सिर्फ माशरे सोसाइटी की बेहतरी के लिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैंने खुद दिया ये पेशेंट के साथ मिलकर अब सारी चीज मैनेज की है जो पिछले 3 घंटे से नहीं हो रही थी। प्रेस को भी किया गया, इंतहाई काबिल मजम्मत है। इंशाल्लाह अभी इसकी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन